अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फूड लैब आयशा। बहुत थोड़े से मसालों के साथ बने वाली रेसिपी है जी मटन पाए की या बकरी के पाए की। बहुत आसान है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाएंगे, कोई फैंसी चीज़ें नहीं जाएंगी, कोई बहुत सारे आपको मसालों की ज़रूरत नहीं है, बेसिक से मसाले होंगे जो हम यूज़ करेंगे। चलिए जी हम करते हैं अपनी रेसिपी स्टार्ट। यहाँ पर जी सबसे पहले मैं इसकी बनाऊँगी यखनी। यखनी इसको मैंने किस तरीके से बनाई थी, मैंने यहाँ पर लिए थे 4 अदद बकरे के पाए, उसके अंदर मैंने पानी शामिल किया था इतना कि अच्छे तरीके से डूब जाए। फिर मैंने यहाँ पे शामिल किया था कि वह 1 टीस्पून भर कर नमक का, अदरक लहसुन शामिल किया था 1 टेबलस्पून, एक मीडियम साइज़ की प्याज शामिल की थी और इसको मैंने प्रेशर कुकर लगा दी तकरीबन 20 मिनट के लिए। आप लोग देख सकते हैं ये तकरीबन यहाँ पर अच्छे तरीके से गल चुका है, लेकिन आपने इसको गलाना है 90 से 95% तक, 100% नहीं गलाना क्योंकि हम आगे इसकी भुनाई करेंगे तो ये टूट जाएगा। यहाँ पर मैंने तकरीबन ऑयल लिया था 1 कप, प्याज मैंने ली थी यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने स्लाइस कर लिया था। गर्म तेल के अंदर मैं इसको क्या करूँगी, बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको कर लूँगी जी गोल्डन ब्राउन। आपके पास ना गोल्डन ब्राउन करते वक्त प्याज ऑयल जो है बहुत अच्छा सा तेज़ गर्म होना चाहिए कि आप उसके अंदर, जैसे ही मैंने अनियन ऐड की है देखें आप देख सकते हैं कि बबलिंग स्टार्ट होगी। बस आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, पूरे पॉट के अंदर इसको फैला देना और ये हल्की दरमियानी आँच होनी चाहिए आपको, ये ब्राउन हो जाएगी। यहाँ पर देखें जी तकरीबन हमारी प्याज जो है बड़ी ज़बरदस्त सी ब्राउन हो चुकी है, इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त है, इवन कलर हमें इस तरह का ही कलर चाहिए क्योंकि हम मसाला बनाएंगे तो आपके पास जो कलर होना चाहिए वो इवन होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका जो मसाला है वो डार्क कलर का हो जाएगा। यहाँ पर तकरीबन मेरे पास वही ऑयल था, इसके अंदर मैंने प्याज फ्राई की थी, प्याज मैंने निकाल ली है और अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। उसको आपने अच्छे तरीके से भूनना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। यहाँ पर बस हम इसको भूनेंगे, प्याज हमने बाहर निकाल कर रख लिया है। अब यहाँ पर जो है अदरक लहसुन अच्छे तरीके से भून चुका था, अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, सिर्फ इस स्टेज पर मैं यहाँ पर शामिल करूँगी पाए। यखनी में से मैंने शामिल निकाल ली हैं पाए, और पाए शामिल करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर फ्राई करेंगे। अभी आपने कोई मसाले शामिल नहीं करने, आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। बस यहाँ पे अदरक लहसुन के साथ मैं यहाँ पे इसको फ्राई करी ताकि बड़ा इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाए। जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे तब हम शामिल करेंगे यहाँ पे मसाले। सबसे पहले यहाँ पे शामिल करी हूँ यहाँ पे ज़ीरा, ज़ीरा हम शामिल करेंगे अब तक में 1 टी स्पून के करीब। रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे आप 1 टेबल स्पून भर कर, या जितनी आपको मिर्च चाहिए हो आप उतना शामिल करें। 1 टेबल स्पून भर कर हम शामिल करेंगे जी धनिया पाउडर का। अब हम शामिल करेंगे यहाँ पर हल्दी 1/4 टीस्पून, हल्दी ज़्यादा मत शामिल कीजिएगा वरना आपका सालन जो है वो थोड़ा येलोइश हो जाएगा, इसलिए हम हल्दी थोड़ा कम शामिल करेंगे। अब ये सारे बेसिक से मसाले थे जो हमने शामिल किए हैं, शामिल करने के बाद आप क्या करेंगे इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, फ्राई करना है ताकि मसाले जो हैं अच्छे तरीके से हमारे जो पाए हैं उनके साथ मिक्स हो जाएँ। और बस यहाँ पर मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। जब यहाँ पर ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे तो हम यहाँ पर शामिल करेंगे जी कश्मीरी मिर्च पाउडर का। ये ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करेंगे तो इससे एक बड़ा अच्छा सा रेड कलर आता है। जब भी आप कोई ग्रेवी वाली चीज़ बनाते हैं तो इसमें बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आता है, रेड कलर। अब मैं इस स्टेज पर शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर का। ये अगर आपके पास है ठीक है, अदरवाइज स्किप कर दें। शामिल करेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त सा प्यारा सा रेड कलर रहेगा जो कि आप लास्ट में हमारी जो फाइनल स्टेज है बल्कि आपने स्टार्ट में भी देखा है। तो बस ये शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से कर लूँगी जी मिक्स। अब यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सा भून चुका है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, जो मैंने प्याज ब्राउन की थी वो सारी की सारी प्याज वो मैं एक डालूँगी जी ब्लेंडर जग के अंदर। सारी प्याज आपने डाल देनी है इसके अंदर। इसको हमने जिस तरीके से हम कौमी की प्याज को साइड पर रखते हैं बिल्कुल मैंने इसको वैसे रखा था, लेकिन ये कुरकुरी इसको हमें चाहिए नहीं थी इसलिए मैंने इसको कुरकुरी नहीं किया। हम क्या करेंगे, बस सारी के सारी प्याज डाल देंगे ब्लेंडर जग के अंदर। यहाँ पर मेरे पास था जी तकरीबन 1/2 कप के करीब दही, दही शामिल किया है मैंने, इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया और ये देखें जी इतना ज़बरदस्त सा स्मूथ सा इसका पेस्ट बना है। इस पेस्ट को हम शामिल कर देंगे जी पाए जो हमने मसाला भुने थे उनके अंदर। इनको शामिल करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि दही के मिक्सचर के साथ जो पाए हैं हमारे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अब तकरीबन आपने इसको इस मिक्सचर के साथ 5 से 10 मिनट के करीब भूनना है और यहाँ देखें जी बबलिंग स्टार्ट हो चुकी है, मतलब ये अच्छे तरीके से भुन रहा है। मैं इसको चम्मच जो है बाबर चला रही थी, अदरवाइज ये नीचे लग सकता था दही और प्याज के मिक्सचर। अब ये मैं इसके अंदर क्या शामिल करी है, जो हमने स्टार्ट में मैंने आपको पाए का स्टॉक दिखाया था जिसके अंदर हमने पाए उबाले थे वो सारे के सारा इसके अंदर शामिल कर देंगे।
क्योंकि हम यहाँ पे आपको ज़्यादा सारा पानी नहीं चाहिए होगा, आपके पास जो यखनी थी ना पाए उबालते हुए जो आपने बनाई थी गलाते हुए, वही इसके अंदर काफ़ी थी, बस मैं इसके अंदर वो शामिल करूँगी। अच्छा, अभी आपको लग रहा होगा इसका जो कलर है वो येलो है, इसका कलर येलो नहीं है। अभी मैं इसको मिक्स करूँगी, इसके अंदर बबलिंग आएगी और देखें जी इसका कैसे कलर जो होता है फ़ौरन चेंज होता है। बस यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, जैसे ही इसके अंदर बबलिंग स्टार्ट होगी अब आप देख सकते हैं इसका कलर जो है यहाँ पे कितना ज़बरदस्त सा चेंज हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बबलिंग आ रही है, बबलिंग होने की वजह से यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। अब शामिल करेंगे यहाँ पर हम गरम मसाला, 1 टीस्पून भर कर आपने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर शामिल करना है, और गरम मसाला पाउडर शामिल करने के बाद भी आपने तकरीबन 10 मिनट तक इसको इसी आँच पर पकाना है। हमने इसके अंदर कोई दूसरे मसाले नहीं डाले, हमने सिर्फ ये गरम मसाला पाउडर शामिल किया, तो इसलिए हमें इसके साथ तकरीबन 10 मिनट तक इसको पकाना है ताकि बड़ा ज़बरदस्त है इसका फ्लेवर आ जाए। और बस यहाँ पे ये पक रहा है अच्छे तरीके से, और अब इसके अंदर जैसे ही बबलिंग स्टार्ट होगी मैं इसको कर दूँगी जी कवर, आँच कर दूँगी धीमी, और तकरीबन 10 मिनट के बाद धीमी आँच के बाद ये देखें जी मैंने इसका कवर रिमूव किया और ये येलो कलर से कितना प्यारा सा रेड कलर के अंदर चेंज हो गया। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, इसके अंदर मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1/2 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर। ये पाउडर शामिल करने के बाद आपने इसको दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और ये चीज़ ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। अब आपने चूल्हा ऑन नहीं करना था, और ये देखें जी इसकी परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी, आपको इसी कंसिस्टेंसी में इसका जो ग्रेवी होती है रखनी होती है। और यहाँ पर मैंने पूरी स्टेज में नमक नहीं शामिल किया था क्योंकि जब मैंने पाए उबाले थे यखनी बनाई थी मैंने उस टाइम पे नमक शामिल किया था, तो लास्ट में अब मैं बस टेस्ट करी और नमक शामिल करूँगी, क्योंकि नमक तो आप किसी भी स्टेज पर शामिल कर सकते हैं ना, तो बस नमक मैंने शामिल कर लिया था अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये है जी इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन। उम्मीद है कि बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बने वाली रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।